हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम रस्किन बॉन्ड की फेमस नॉवल द ब्लू अम्ब्रेला की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस नॉवल को रस्किन बॉन्ड ने 1980 में लिखा था और इस नॉवल में रस्किन बॉन्ड ने हमें पहाड़ी लोगों के जीवन के बारे में बताया है कि पहाड़ी लोग कितने सिंपल होते हैं और वो कितनी आसानी से किसी के गलत कामों को माफ़ी दे देते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस स्टोरी के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। सो, जैसे मैंने आपको बताया, इस स्टोरी में गढ़वाल जो कि एक हिल कम्युनिटी है, पहाड़ पर रहने वाले लोग होते हैं गढ़वाली लोग, उनकी प्रथाएं कैसी होती हैं और कैसे अपने छोटे छोटे कामों से उन्हें हीरोइक स्टेटस मिल जाता है, यानी अपने छोटे कामों से भी वो अपने लोगों के लिए हीरो बन जाते हैं और कैसे दूसरों को मौके देते हैं अपनी रॉन्ग डूइंग्स यानी अपनी गलतियों पे पछताने का, वो लोग मौका देते हैं और माफ भी कर देते हैं गलत लोगों को, इसके बारे में सीख मिलती है हमें इस नॉवल से। तो चलिए अब इस स्टोरी की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक गढ़वाली गांव से, जहां पर एक छोटी सी लड़की रहा करती थी बिन्या, जिसका पूरा नाम बिन्या देवी था, जो करीब 10 साल की थी। वो अपनी मम्मी के साथ अपने भाई बिज्जू, जिसका असली नाम विजय था, और अपनी फैमिली जो कि एक लो इनकम फैमिली थी के बाकी के मेंबर्स के साथ रहती थी। और उसे अकेले यहाँ वहाँ घूमना बड़ा पसंद था और वो जानती थी कि ये पहाड़ उसके हैं, उसे पहाड़ों पर टहलना बहुत पसंद था और पहाड़ों के जंगल या पहाड़ियाँ उसे डराते नहीं थे। उसका जो टाउन था यानी उसके गांव के पास का जो कस्बा था, वो करीब 5 माइल्स उसके गांव से दूर था और वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आया करते थे घूमने के लिए। तो बिन्या के पास 2 गायें थी जिनका नाम उसने नीलू और गोरी रखा था और वो उन्हें घास वगैरह चरने के लिए भेज दिया करती थी और शाम को फिर उन्हें ढूंढती थी अगर वो वापस नहीं आती थी। तो स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पे बिन्या अपनी गायों को ढूंढ रही होती है और जब वो उन्हें ढूंढ रही थी तब उसे कुछ पिकनिकर्स यानी कुछ पिकनिक करने वाले मिलते हैं जो प्लेन्स से आए थे पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, और वो उन लोगों को देखकर खुश हो जाती है। खास तौर पे उनके पास जो ब्लू अम्ब्रेला था, ब्लू कलर का छाता था, उसे देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। उसे वो एक फूल जैसा लगने लगता है और वो अम्ब्रेला उसे इतना सुंदर लगता है कि वो मंत्रमुग्ध हो जाती है, वो खो जाती है। और वो जो पिकनिकर्स थे, पिकनिक करने वाले, वो भी बिन्या से बात करने लगते हैं जब वो देखते हैं कि कैसे वो अम्ब्रेला को देख रही है। फिर उनमें से जो एक औरत होती है वो बिन्या के गले में लटके हुए पेंडेंट को देखती है जिसमें लेपर्ड का एक क्लॉ होता है, क्लॉ का मतलब नाखून होता है। तो लेपर्ड के नाखून को एक पेंडेंट बनाकर बिन्या अपने गले में पहने हुए थी। वो लड़की उस पेंडेंट को पसंद करने लगती है और उसे वो पेंडेंट चाहिए होता है और इसलिए वो बिन्या को पैसे भी देते हैं, लेकिन बिन्या पैसे लेने से मना कर देती है। तो जब वो पिकनिकर्स पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, वो कहती है मुझे ब्लू अम्ब्रेला चाहिए, लेकिन वो लड़की उसे ब्लू अम्ब्रेला नहीं देना चाहती थी। लेकिन फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसे अम्ब्रेला दे देंगे और उसके बदले में उस लड़की ने बिन्या का पेंडेंट ले लिया। बिन्या अपने ब्लू अम्ब्रेला को लेकर अपने घर गई और उसे उसकी सुंदरता इतनी अच्छी लगी कि वो कभी भी उस ब्लू अम्ब्रेला को बंद नहीं करती थी और उस ब्लू अम्ब्रेला का जो एलिगेंस है, उसकी सुंदरता है, वो सभी लोगों के बीच का एक फेवरेट टॉपिक बन गया बात करने का। जिसे देखो वही गांव में ब्लू अम्ब्रेला की ही बातें करता रहता था और इनफैक्ट सभी लोग बिन्या से जेलस हो गए थे और उन्हें ऐसा लगता था कि इतना प्राइजी अम्ब्रेला यानी इतना महंगा अम्ब्रेला बिन्या को कैसे मिल गया, क्योंकि बिन्या तो बहुत गरीब है। लेकिन बिन्या को इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दूसरों की तरह जो लोग उससे जलते थे इस पर वो ध्यान नहीं देती थी। वो ये देखती थी कि जो उसके आसपास के बच्चे हैं वो उस ब्लू अम्ब्रेला को बड़ा पसंद करते हैं। फिर और भी कुछ लोग थे जैसे राम भरोसा, जो कि एक छोटा सा चाय की दुकान चलाया करता था, उसे भी वो लवली अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा पसंद था और वो किसी भी तरीके से बिन्या से अम्ब्रेला ले लेना चाहता था और इसलिए वो बिन्या और उसके भाई को टॉफीज़ का लालच देने लगता है।
और वो अम्ब्रेला की खातर बिन्या को फ्री की टॉफीज देता है, लेकिन बिन्या को अपना अम्ब्रेला इतना पसंद होता है कि वो टॉफीज खाने से भी मना कर देती है। उसके बाद जो राम भरोसा है वो उसके भाई बिन्या के भाई बिज्जू को क्रेडिट पे यानी उधार पे चॉकलेट्स दे देता है ताकि जो बिज्जू है वो किसी तरीके से ब्लू अम्ब्रेला उसे लाकर दे दे, लेकिन तब भी उसे ब्लू अम्ब्रेला नहीं मिलता राम भरोसा को। फिर हॉलीडेज का सीजन आता है और बिज्जू जो है वो राम भरोसा की दुकान में काम किया करता था, लेकिन उस सीजन में बिज्जू को अपनी माँ की हेल्प करनी थी बीज बोने में, ट्रांसप्लांटिंग करने में, और इसीलिए वो राम भरोसा की दुकान पर काम करने नहीं जाता, और इसीलिए राम भरोसा एक दूसरे लड़के को अब काम पे लगाता है जिसका नाम होता है राजा राम, और वो उस लड़के से कहता है कि तुम जाकर उस अम्ब्रेला को ले आओ। तो जो राम भरोसा है वो किसी भी तरीके से उस अम्ब्रेला को पाना चाहता था, और इसीलिए उसे कहता है उस नए नौकर को कि तुम जाकर उस अम्ब्रेला को लेकर जाओ। तो वो जाता है अम्ब्रेला चुराने के लिए, और जब वो अम्ब्रेला नहीं चुरा पाता तब वो बिन्या के भाई को बताता है कि राम भरोसा ने ही उसे उस अम्ब्रेला को चुराने के लिए कहा था, और इस तरीके से पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि राम भरोसा अम्ब्रेला को चुराना चाहता था, और इसी वजह से उसके दुकान पे हर कोई जाना बंद कर देता है, और अपने लालच के कारण उसे ये सारी चीजें सहन करनी पड़ती है, उसे अकेलापन भी झेलना पड़ता है। दूसरी तरफ बिन्या जो कि अपने आप को ब्लेम कर रही थी राम भरोसा की मिजरी की वजह से कि किस तरीके से उसे ऐसा लगता है कि उसी की वजह से राम भरोसा को ये मिजरी मिल रही है, लोगों ने उसे दुकान पर जाना बंद कर दिया है, तब वो अपने आप को क्वेश्चन करती है कि क्या अम्ब्रेला लोगों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसे बहुत ही सैड महसूस होता है, और जब भी वो राम भरोसा की दुकान के पास से निकलती है वो अम्ब्रेला को बंद कर लिया करती थी। 2 हफ्तों के बाद बिन्या उसकी दुकान पर जाती है और तब वो पहली कस्टमर होती है 2 हफ्ते के बाद, और तब वो चॉकलेट खरीदने के लिए जाती है और एक सिक्का उसके काउंटर पर रखती है। राम भरोसा को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ाने के लिए आई है, और इसीलिए वो कॉइन को चेक करता है कि क्या वो कॉइन अच्छा है, लेकिन फिर वो देखता है कि कॉइन तो अच्छा है और वो उसे चॉकलेट दे देता है। तब बिन्या उसके दुकान से चली जाती है और अपना अम्ब्रेला वहीं छोड़ देती है। राम भरोसा उसके पीछे जाता है उसका अम्ब्रेला लौटाने के लिए, लेकिन वो कहती है कि तुम अम्ब्रेला को रख लो क्योंकि एक अम्ब्रेला ही सब कुछ नहीं होता। और इस तरीके से बिन्या समझ जाती है कि सुंदर लगने के लिए या खुश रहने के लिए उसे अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी खुश है अपने परिवार वालों की वजह से, अपने गांव वालों की वजह से, और अपने पहाड़ी जीवन की वजह से, पहाड़ों पे जो अच्छी सीनरी होती है उसकी वजह से। और इस तरीके से राम भरोसा उस अम्ब्रेला को रख लेता है और वो फिर से खुश हो जाता है, उसकी सेहत फिर से सही हो जाती है, और बिन्या राम भरोसा को जब माफ़ कर देती है तो लोग भी राम भरोसा को माफ़ कर देते हैं, और फिर से उसके दुकान से चीज़ें लेने लगते हैं, और उसके बिजनेस में फिर से पहले जैसी भीड़ क्राउडिंग होने लगता है। लेकिन इस बार एक बदलाव आता है, राम भरोसे के चेहरे पर अब हमेशा एक हंसी रहती है, और वो अपने क्लाइंट से अच्छे तरीके से पेश आने लगता है सेल्फलेस मैनर में। और कुछ दिन के बाद वो देखता है कि उसके दुकान के बाहर एक भालू का एक नाखून पड़ा हुआ था, जो कि एक लकी बात थी। तो वो उस क्लॉक को उस नाखून को उठा लेता है और एक ब्लैक स्मिथ यानी लोहार की दुकान पर जाता है और उसे कहता है कि इस क्लॉ से यानी इस नाखून से तुम एक पेंडेंट बना दो। तो वो पेंडेंट बनवा कर बिन्या को दे देता है, और वो कहता है कि एक लेपर्ड के क्लॉ से यानी लेपर्ड के नाखून से एक भालू का नाखून और ज़्यादा लकी होता है, इसलिए तुम इसे पहनो। तो बिन्या जिसने उन पिकनिकर्स में से जो एक लड़की थी जिसने उसे अम्ब्रेला दिया था, उस लड़की को उसने अपना पुराना पेंडेंट दे दिया होता है, तो उसके पास फिलहाल कोई पेंडेंट नहीं था, और इसलिए राम भरोसा उसे वो नया पेंडेंट देता है और बिन्या को नया पेंडेंट मिल जाता है, और वहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। होप आपको ये स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।